वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और कमाल फ्रेश वीडियो में। मैं आया हूँ छत पे और हमारे पास है न्यू ट्राइपॉड जिसका अभी अनबॉक्सिंग किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और कमाल के फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राइपॉड जो कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और ये परचेज़ किया गया कुलदीप के द्वारा, ठीक है। उसने कहा कि इसका फुल रिव्यू वीडियो डालो, तो मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो जस्ट इस प्रकार आपको देख सकते हैं ट्राइपॉड मिला है हमारे को अमेज़ॉन से, तो हम इसका जस्ट रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आप बने रहना वीडियो में और बने रहना आगे तक नई वीडियोस और के साथ। इसका फुल रिव्यू डिटेल अनबॉक्सिंग भी करेंगे और बने रहिए, आगे इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, इस प्रकार से पैकिंग था हमारे पास, तो फटाफट इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जी ये, इस प्रकार ये मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर दिया था हमने और फ्लिपकार्ट का। देखो ये लोगो वगैरह आप देख सकते हैं, तो ये कुछ बंद था, इसको अभी खोल दिया एक बार। और ये कुछ ट्राइपॉड है, चाबी भी पड़ी है पहले की। इस प्रकार ये बंद था, हमने अनबॉक्सिंग कर दिया, कहीं फ्रॉड ना हो जाए ये चेकिंग के लिए हमने। और आपको और दिखा देते हैं आगे, अंदर से खाली है, इसको इधर रख देते हैं साइड में। और अब बारी इसकी, ये इस प्रकार ये बॉक्स है इसका, ये पहले अनबॉक्सिंग कर दिया था, ठीक है हमने, और आपके लिए फिर से हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार। अब बारी इसकी, इसको पहले रैपर से बाहर निकल। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हमने मोबाइल को ट्राइपॉड में अटैच कर दिया और आगे और दिखाते हैं आपको कैसे ये कंट्रोल, इसका रिमोट कंट्रोल है वो कैसे काम करता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी
लाइट वेट है और आनंद भी आता है वीडियो शूटिंग करने में। कुछ इस प्रकार से दिखता है पीछे से, और ट्राइपॉड में अटैच करने के बाद कुछ इस प्रकार देख रहे हैं आप, और आगे और शॉट दिखाते हैं आपको, फिर देखते हैं कैसे लगता है। और आप देख सकते हैं इसका व्यू रिव्यू पूरा टोटल कर दिया हमने, अनबॉक्सिंग भी किया। ये ऊपर मोबाइल स्टैंड वगैरह ये परचेज़ किया था कुलदीप भाई ने, और ये मैं अपने चैनल पर इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसका प्राइस क्या वो लास्ट में पता चल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस बता दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल को अटैच कर लिया ट्राइपॉड में, ठीक है। और ये रिमोट कंट्रोल, इसका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसको अभी हम चेक करवाते हैं कि बटन कितनी दूरी तक काम करता है ये रिमोट, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं। तो एक चीज़ और दिखानी थी आपको, ये देखो इसको घुमाने से ना, ये देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पर करने से ये थोड़ा कम खुलता है, ठीक है, इस प्रकार। और फिर से एक और घुमाने पर ये देखिए साइड में थोड़ा बड़ा छेद है, ये इसमें ये थोड़ा और इसकी टांगें और खुल जाती है लंबी, ठीक है, और बड़ी खुल जाती है, इस प्रकार है। और मैं आपको ये रिमोट कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल इसका भी रिव्यू दिखा देता हूँ एक बार, कितनी दूरी पर ये काम करता है वो भी अभी देख लेते हैं। जस्ट इसको सो गाइस देखो, ये हमारे पास बटन है, दोनों बटन काम करते हैं हमारे स्मार्टफोन में, और यहाँ पे प्रेस करते ही ब्लू लाइन ब्लू रेड लाइट है जो चल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं बटन प्रेस करूँगा और वहाँ पे शॉट देख लेना आप, ठीक है। और ये देखो मैं अब दबा रहा हूँ, 3 2 1 आया, बहुत अच्छा। अब और दूरी पे जाते हैं और देखते हैं, पीछे आते हैं। दोस्तों देख सकते हो कैसे उधर चला गया, और अभी चल कर चालू कर। 3 2 1 देख लो दोस्तों, और चलो चल भी चल उधर चलो उधर, ठीक है ठीक है, अब दबा, ठीक है कर रहा है काम। चल 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 चल, ठीक है कर रहा है काम अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हो इतनी दूरी पे काम करता है ये दोस्तों। तो आप भी ले सकते हो, ब्लॉगिंग वगैरह शूट करते हो तो। सो अभी आगे चेक कराते हैं रिव्यू वगैरह थोड़ा। सो दोस्तों आपने इसका रिव्यू देख लिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी दूरी पर इसका कंट्रोल है बहुत अच्छा है, ठीक है। और हम इतनी दूर खड़ के भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और भी इसका रिव्यू हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक बात और बता दूँ, ये रिमोट कंट्रोल जो है एक फ़ोटो क्लिक भी करवा सकता है और वीडियो भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक जरूर करना, ठीक है। और अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको शो कर रहे हैं जी। आप कमेंट में ये बताएं कि आप इसको परचेज़ करना पसंद करेंगे या नहीं। हमने परचेज़ किया व्लॉग के लिए, स्पेशल व्लॉग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने रिव्यू भी कर दिया है आपको, और भी शॉट दिखाई दिए हैं और दिखा देंगे। और काफ़ी व्लॉग देखने के लिए तो कुलदीप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसका भी देख लेना, क्योंकि उस पर हमारे व्लॉग शूट होके उस पर आते हैं। और बात करें इसका फुल रिव्यू आपको दे ही दिया हमने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर फुल दबा के कर देना, मज़ा आ जाए जिससे। बस काफ़ी वीडियो शूट करने में काफ़ी स्टेबलाइजेशन फील होता है, ठीक है। वीडियो पहले हिलता था लेकिन अब नहीं हिलता, अब इतना भी दौड़ लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मेरे को ऑल ओवर काफ़ी अच्छा लगा, आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लेना। और ब्लॉगिंग वाला जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है कुलदीप का, उस पर हमारे ब्लॉग आते रहेंगे, और देख लेना कि वीडियो स्टेबलाइजेशन कैसा है। और आज का वीडियो यही एंड करेंगे, बस धन्यवाद जी। बस फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।